और अब आपको सीधा लिए चलते हैं, सुनवाते हैं सीएम योगी को। बंद करने का कार्य किया, उसके मार्ग में एक बाधाएं खड़ी की, इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था, ये तो बांटो और राजकुरों की नीति पर चलते थे, पुष्टिकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और पुष्टिकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और बसत का माहौल पैदा हो जाता था, कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था, सामान्य नागरिक पर भयभीत रहता था और व्यापारी का उद्योग भी उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है, वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है, भारत के नागरिकों को अब दुनिया में चार कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है, एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा, आतंकवाद नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे रेलवे मेट्रो वाटरवे एयरपोर्ट एम्स आईआईटी जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं, और भाइयों बहनों इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने वाले हैं तो गरीब कल्याणकारी कार्यों के लिए भी आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने शासन किया था वे लोग उसका दसवां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। आप देखेंगे करोड़ों लोगों को देश के अंदर आवास की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार के स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य भी होता है, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाता है, और भाइयों बहनों भारत अकेला देश है दुनिया के अंदर जिसने कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन
1,75,00,000 गरीबों के लिए फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए और अब तो सरकार ने यह तय किया है कि यह सरकार दीपावली और होली के अवसर फ्री में रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडर भी उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएगा जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। 1,00,00,000 निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 10,00,00,000 गरीबों के लिए आयुष्मान भारत पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5,00,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर दे रहा है और यही नहीं, पिछले 3 वर्ष से 17,00,00,000 गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल्स का निर्माण, ये युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विरासत सोचता था डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारत को प्रशस्त कर दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन सब समर रही है। विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट, वासी दादी जी का लालापुर हो, चाहे संत तुलसीदास जी का राजापुर, इनको सजाने संवारने का कार्य और उस विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तत्परता के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। हमने तमंचा संस्कृति को बंद किया, हमने तो युवाओं के हाथों में टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। टैबलेट 2,00,00,000 युवाओं को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश ने बंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के बंगों में लग करके उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में, मैं जब भी आता था अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोग ढूंढते रहे कहां से ये होगा। और भाइयों बहनों, जैसे जमीन की व्यवस्था हुई, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने देश की स्वाधीनता में प्रणी पंक्ति में चलकर के